एक छोटा सा व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। काफी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला अपने चैनल पर। फर्स्ट व्लॉग जो डाला था मुझे याद भी नहीं है कब मैंने डाला था, जब मैं कहीं घूमने गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं एक और व्लॉग बनाता हूँ और ट्राई करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का। रुको जरा, सबर करो। अभी 2 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते करते और मैं आधे रास्ते में आ गया। अभी यहाँ सुसु ब्रेक के लिए रुका हूँ मैं। चलेगी दूसरे दिन पर और अभी मैं बस घूमने आया था यहाँ अपने गांव के इलाके में। तो एक्चुअली रात को मैं आया, तब मैं शूट ज़्यादा नहीं कर पाया, इतना रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो मैं बस कॉन्सेंट्रेट कर रहा था ड्राइव करने में। मैं अभी हूँ धौलपुर हाईवे पे। जैसे मैंने बताया था कि मैं अभी गाँव से थोड़ा दूर हूँ, 10 किलोमीटर दूर। यही बोर्ड देख सकते हो, करौली डिस्ट्रिक्ट गुजारा अभी 21 किलोमीटर दूर। अभी हम आए स्प्लेंडर से, आपको दिख रही होगी, ये रही हमारी स्प्लेंडर। ये एक्चुअली मेरे दोस्त प्रॉब्लम आती है व्लॉग में बात करने में और वीडियो में बात करने में। तो वीडियो में आप कैसे भी टेक ले सकते हो, कट्स ले सकते हो, पर व्लॉग में कट लेना बहुत दिक्कत होती है। गांव के हिसाब से बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गांव में बिकने वाली बाइक है स्प्लेंडर, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यहाँ पर इसका होता है। मतलब यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आप एक स्पोर्ट बाइक रख रहे हो और एक स्प्लेंडर साथ में रख रहे हो तो चोर जो होगा वो स्प्लेंडर को ले जाएगा। शायद आपके पास स्कूटी होगी उसका दूसरा, जहाँ पर आप नॉर्मली इसको बाजार या मार्केट ले जाते हो, बट आप स्पोर्ट बाइक को या कोई सी भी बाइक आपके पास जो है उसको नहीं ले जा सकते। तो ये प्रॉब्लम है एक हैवी बाइक रखने में, और ये फ़ायदा है एक इकोनॉमी बाइक रखने में। और दूसरा एवरेज और माइलेज का भी फ़र्क पड़ता है आपकी गाड़ी का, कि कितना एवरेज आपकी गाड़ी देती है। तो स्प्लेंडर जो बाइक है बहुत अच्छा एवरेज देती है नॉर्मल जो बाइकों के हिसाब से, है ना। और इसके अलावा एक TVS स्पोर्ट है जो मैंने भी खरीदी है अभी रिसेंटली, कुछ महीने पहले जाते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आप व्लॉग बनाते हो तो व्लॉग में आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। कंटिन्यूस बोलने से आप फंबल नहीं मार सकते और मैं फंबल बहुत मारता हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग कम शूट करता हूँ।